और मैं हूँ शाल्मली और मैं हूँ दुर्गा एंड वी आर द डैफ्टी डेम्स। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं यू मस्ट कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल क्योंकि हम हमारे इस चैनल पे DIY वीडियोस बनाते हैं और इट्स बीन एजेस दैट वी हैव मेड अ वीडियो टुगेदर। और अगर आपने हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे देन यू मस्ट हैव सीन दैट वी हैव ट्राइड आवर हैंड एट सम रियली यूनिक एंड क्रिएटिव सूइंग प्रोजेक्ट्स। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट डू समथिंग अलोंग द सेम लाइन। तो ये जो आप देख रहे हैं दुर्गा ने जो पलाजो पहनी है विच इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट्स, तो वी थॉट वी शुड ट्राई मेकिंग अ पलाजो क्योंकि ये एक ही है जो इसके पास है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पलाजो है जो हमने इस वीडियो में बनाई है जो शाल्मली ने पहनी हुई है। और अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ये पलाजो कैसे बनाई। करेक्ट, सो लेट्स गेट गोइंग। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया ये दुर्गा के प्लाजोज है जो हम दोनों की फेवरेट है एंड इसी को लेकर हम हमारे नए प्लाजो बनाने वाले हैं। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो बहुत ढूंढने पर हमें ये बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का क्लॉथ मिला है विच हैज़ दिस क्यूट लिटिल डॉग प्रिंट ऑन इट। तो इसे फोल्ड करके डबल फोल्ड करके हम जो हमारा प्लाजो है उसे इसके ऊपर रख देंगे। बट ट्रेस करने से पहले हम इसे थोड़ा लिफ्ट अप कर देंगे क्योंकि ये जो कमर का पोर्शन है वो हम बाद में कट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट मार्किंग विद द हेल्प ऑफ अ चॉक। और हमने हमारा ये प्लाजो बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो ये हमने हमारे प्लाजो की बेसिक आउटलाइन ट्रेस कर दी है। अभी इसे बहुत केयरफुली हमें काटना है बिकॉज वी हैव 2 लेयर्स वन ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। काटने के बाद वी एंड अप विद 2 सेक्शंस लाइक दिस। इसका पार्ट लेके जो रिमेनिंग क्लॉथ है उसे डबल फोल्ड करके हम लोग फिर से ये ट्रेस कर देंगे। नेक्स्ट हम 2 कपड़े साथ में अलाइन करके जो इनसीम पार्ट रहता है जिसे हमें स्टिच करना है उसे पिन अप कर देंगे। सो जॉइन होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखने वाला होगा। फर्स्ट 2 पार्ट्स आर जॉइंट। इसी तरह से हमने दूसरे 2 पार्ट्स भी ज्वाइन किए हैं। सो वन इज गोइंग टू बी द फ्रंट एंड वन इज गोइंग टू बी द बैक। तो इसे हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे अलाइन कर देंगे। सो बेसिकली हमने 4 कटिंग्स किए हैं, 2 फॉर द फ्रंट एंड 2 फॉर द बैक। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम ये इनसीम का जो पार्ट है वही सी लेंगे। और अगर आप हमारी तरह एमेच्योर्स हो व्हेन इट कम्स टू स्टिचिंग देन मेक श्योर दैट यू डू दिस वेरी केयरफुली। और जैसे भी आप सिल रहे हो ग्रेजुअली पिंस निकालते जाइए। तो वंस द इनसीम था जॉइन ये कुछ ऐसे दिखेगा। सो ये दोनों भी हमने स्टिच कर दिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू जॉइन द साइड्स। सो मेक श्योर दैट बिफोर यू स्टार्ट स्टिचिंग बोथ द साइड्स आर प्रॉपरली अलाइंड विथ ईच अदर। पर उससे पहले हम जो पोर्शन हमने छोड़ दिया था स्टार्टिंग में प्लाजोज के द टॉप पोर्शन ऑफ द पैंट्स उसे हम काट लेंगे। तो ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे स्टिच होगा अराउंड आवर वेस्ट। बट बिफोर यू स्टिच इट ऑन टू द पैंट्स हमें इसके जो बॉर्डर्स है वो प्रॉपरली स्टिच करने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमने थोड़ी ट्रायंगुलर शेप में काटा है द लोअर पार्ट। तो मेक श्योर दैट द पॉइंट इज अलाइंड विद द स्टिचिंग ऑफ द इनसीम। सो वील पिन इट अप सो दैट इट इज ईजियर फॉर अस टू स्टिच अलॉन्ग द लाइन्स। स्टिच होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। नाउ द सेकेंड पोर्शन है वो भी हम इसके ऊपर स्टिच कर देंगे सो दे आर प्रॉपरली अटैच्ड विद ईच अदर। तो इसके हमने पहले जो टॉप पोर्शन है वो स्टिच कर दिया है एंड देन विल फोल्ड इट एंड इसको बॉटम पे स्टिच कर देंगे। तो इसके भी हमें 4 टुकड़े लगेंगे, 2 फॉर ईच साइड, 2 फॉर द फ्रंट एंड 2 फॉर द बैक। तो बैक साइड के जो 2 पार्ट्स है वो हमने ऑलरेडी काट के स्टिच कर दिए हैं। नाउ लेट्स कट दी अदर 2 रिमेनिंग पार्ट्स एज वेल जो हम लोग फ्रंट पे लगाएंगे। तो दिस इज बेसिकली द वेस्ट बैंड ऑफ आर पलाजो। तो इसका बैक पोर्शन हो गया है और फ्रंट पोर्शन पे हमने जो अभी स्ट्रिप्स काटे हैं वो अटैच कर देंगे। और ये भी हमारा स्टिच करके रेडी हो गया है।
एंड पैंट्स आर इनकम्प्लीट विदाउट द पॉकेट्स, राइट? सो हमने बेसिक कटआउट किया है पॉकेट शेप का, इसके कोई मेजरमेंट्स नहीं लिए हैं, जस्ट हमारे जो पैंट्स थे उसके हिसाब से ही किया है। और इसके हमें सिर्फ दो सेक्शंस काटने हैं। अब देखते हैं हमें इसे किस तरह अटैच करना है हमारे प्लाजो को। फर्स्टली जो फ्रंट और बैक पोर्शन ऑफ द प्लाजो है उसे हम अलाइन कर देंगे, और मेक श्योर कि कपड़ा इन्वर्टेड हो, सो मतलब जो करेक्ट साइज और राइट साइड हो वो अंदर की तरफ हो। अभी वन पार्ट ऑफ द पॉकेट को लेके हम हमारे प्लाजो पे प्रॉपरली अलाइन कर देंगे। मेक श्योर इट इज़ नॉट स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल, थोड़ा इसे हमें डायगोनल करना है। सो हमारे पॉकेट के जो दो पार्ट्स हैं वो हम साइमल्टेनियसली हमारे प्लाजो पैंट्स के आउटसाइड में रख देंगे। सो बेसिकली दैट विल बी द इनसाइड ऑफ आवर पैंट्स। बस ध्यान रखना है कि हमारे जो पॉकेट के पार्ट्स है वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ अलाइंड है। तो पॉकेट्स को पिन करके हमने साइड में रख दिया है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेस्ट बैंड ऑफ आवर प्लाजो। तो उसके लिए हमने ये थिक वाइट इलास्टिक लिया है। ऑफकोर्स कलर आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि ये अंदर जाने वाला है। तो मेक श्योर दैट यू मेजर इट ऑन योर वेस्ट एंड हाउ टाइट यू वॉन्ट इट। और उसे काट के हम ये जो ओपनिंग हमने रखी है स्टिचिंग में उसके अंदर हम लोग इसे थ्रेड कर देंगे। सो इस इलास्टिक को हमें बाहर नहीं निकालना है, एज पर ही रोकना है। यहाँ पे हम लोग पिन लगा देंगे बिकॉज वी विल बी स्टिचिंग अलोंग दैट एज। सो हमारे प्लाजो की फ्रंट एंड बैक साइड हमने प्रॉपरली स्टिच कर दिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू अटैच देम टुगेदर। तो पहले हम इसे प्रॉपरली अलाइन कर देंगे एंड स्टिच अलोंग द एजेस। तो उसके पहले हम पिन्स लगा देंगे सो दैट इज ईजियर फॉर अस टू स्टिच। तो विल बी स्टार्टिंग विद द इनसीम लाइनिंग। सो इस तरह से हम हमारे प्लाजो की इनसीम लाइनिंग स्टिच कर देंगे और जो आउटर पोर्शन है उसे भी स्टिच कर देंगे। सिर्फ वेस्ट बैंड पार्ट हम लोग छोड़ देंगे बिकॉज विल बी एडिंग टू स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड। तो उसके लिए हमने ये दो रेक्टेंगुलर पीसेस काटे हैं। इसे हम अलॉन्ग द एजेस स्टिच करके इन्वर्ट कर देंगे। और ये हमारी स्ट्रिप्स रेडी है। तो इसे हम हमारे वेस्ट बैंड पर इस तरह से अटैच कर देंगे। नाउ विल बी प्लेसिंग इट बिटवीन बोथ द पलाजोज, दैट इज द फ्रंट एंड द बैक पोर्शन, इन्वर्टेड ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हमें अंदर से सीना है एंड दैट इज व्हाई वी आर लेफ्ट द टॉप पोर्शन। और ये फाइनली हमारी पलाजो कम्प्लीटली रेडी है। ये आउटर साइड हमने स्टिच कर दी है। सो ये जो बॉटम का फ्लेयर है उसके एजेस भी हम लोग ने सी दिए हैं। द इनसीम लाइनिंग हैज़ बीन स्टिच प्रॉपरली। और ये साइड से भी हमने पूरा सिला दिया है अलॉन्ग विद द पॉकेट। तो ये इस कर्व में हमने सिया है सो दैट द पॉकेट पार्ट डज नॉट गेट स्टिच। और प्रॉपरली जो एज टू एज हमने साइड से भी सील दिया है। और ये हमारा इलास्टिक भी अच्छी तरह से अटैच हो गया है ऑन द बैक पोर्शन ऑफ द वेस्ट। और ये हमारे जो बेल्ट्स हैं जो हमने राइट और लेफ्ट दोनों साइड में लगाए हैं ये भी प्रॉपरली स्टिच हो गए हैं। अभी ज़रा इसे इन्वर्ट करके देखते हैं कि हाउ डज आ प्लाजो लुक। और इस तरह से हमने हमारे प्लाजो पैंट्स सिल दिए हैं। आवर फर्स्ट ट्राई सक्सेसफुल एंड दीज बेल्ट्स लुक सुपर सुपर क्यूट। सो देखते हैं इसका फ्लेयर और हाइट बराबर है कि नहीं। दे लुक सुपर कम्फी एंड सुपर क्यूट। आई जस्ट कैन नॉट वेट टू ट्राई दम ऑन। बट पहले थोड़ा आपको दिखा देती हूँ कैसे दिख रहा है। ओके नाउ आई एम गोना गो एंड ट्राई दम ऑन।
So this brings us to the end of today's video, and we are really happy with the way this palazzo has turned out. And since we're not tailors, though we have not followed the exact procedure, जैसे pants या palazzo या any bottoms बनाते हैं, हमने simply दुर्गा का ये palazzo लेके उसके हिसाब से experimentation करके बनाया है, and our experiment has succeeded because this is wearable and super comfy. और अगर आप भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं तो आप भी घर बैठे ये वीडियो देख के हमारे गाइडेंस से ये पलाजो बना सकते हैं अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए. तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये पलाजो बनाना. एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू गिव अस अ बिग फैट थम्स अप और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को. और शेयर कीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताइए कि आप और क्या देखना पसंद करेंगे हमें बनाते हुए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.